आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर जिले के डबरा मंदिर में दर्शन करने गई नाबालिग छात्रा को अगवा कर शहर के ज्योति पैलेस होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में डबरा सिटी थाना पुलिस ने ज्योति लॉज के संचालक श्री चंद धुकवानी सहित 3 अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आज पुलिस ने ज्योति पैलेस होटल के संचालक श्री चंद धुकवानी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग युवती से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे अन्य 3 आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं पर आपको बता दें कि शहर भर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे होटलों में बलात्कार और एक शोषण जैसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन दबंग होटल संचालकों पर कोई भी कार्रवाई करने में पुलिस कतराती रही है। ऐसा ही एक मामला डबरा के सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सराफा बाजार के भवानीपुरा में संचालित ज्योति पैलेस होटल में विगत दिनों घटित हुआ, जहां 3 युवकों द्वारा एक नाबालिग लड़की को मंदिर से अगवा कर ज्योति पैलेस में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग की शिकायत पर मामले में पुलिस ने होटल संचालक सहित 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें नाबालिग लड़की ने पुलिस को आपबीती बताते हुए बताया था कि डबरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शन करने के दौरान 3 युवक नाबालिग युवती को 2 मोटरसाइकिल पर अगवा कर ज्योति पैलेस होटल के कमरे में गलत काम किया था। पुलिस पड़ताल में डबरा सिटी थाना प्रभारी विनायक शुक्ला ने सत्यता जानी तो उनका कहना था कि नाबालिग लड़की के मामले में उन्होंने 3 नाम दर्ज युवकों सहित ज्योति होटल के संचालक पर मामला दर्ज किया, जिससे अभी मुख्य आरोपी तो फरार है, लेकिन ज्योति लॉज के संचालक श्रीचंद धुकवानी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायालय की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। होटल संचालक ने सत्यता जाने बिना बगैर आईडी प्रूफ के होटल में युवकों को कमरा उपलब्ध करवाया, जिसमें आरोपियों का सहयोग करने के मामले में धारा 109 के तहत होटल संचालक भी आरोपी था। क्या हुआ है आपके साथ? हम मंदिर गए थे पढ़ने। नहीं, मंदिर गए थे हम। मंदिर? हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे मतलब हम उतरे थे दमदम से, तो दो लड़के आ गए थे। कौन लड़के? हाँ। आप जानते थे उनको? हाँ। कौन थे वो? हाँ, मुझे पिज़्ज़ा के दोस्त थे। हाँ, तो मैंने पिज़्ज़ा करके करके आ गए। हाँ, तो फिर उसके बाद उनके लड़का है, वो मेरे पर्चा रहा था, ऐसे कह रहा था कि मतलब मेरे प्रोजेक्ट आ गए मेरे को कैसे मिलना, ऐसे ऐसे कह रहा था। तो मतलब मैं अपने घर पे जा रही थी, मतलब वो दो लोग आ रहे थे तो मैं अपने घर पे जा रही थी। तो फिर वो कहाँ ले गए क्या? तो एक कमरे में ले गया था। अच्छा, आपको पता था कहीं ले जा रहा है? आप उसमें थे? नहीं पता था। बेहोश थे? आपको ये जबरदस्ती ले गए थे? हाँ। फिर उसके बाद आपने घर पे बताया? हाँ, बाद में बताया। ठीक है सर, जो अभी आरोपी पेश किया है, किस मामले में आरोपी था और क्या मामला? ये आरोपी श्री चंद धुकवानी है। अभी कुछ दिनों पहले इसके होटल में नाबालिग लड़की बलात्कार हुआ था, तो इसने होटल का रजिस्टर छुपा दिया था और बिना कोई सक्षम आईडी जाने नाबालिग लड़कियों को उसमें रुकाया था। अतः उसको धारा 109 का आरोपी बनाया गया है और उसको न्यायालय में से जमानत मिल गई है और उसको आरोपी बनाया गया है। इसी तरह अन्य होटलों में जो ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं उन पर भी नज़र, उस संबंध में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, उसके पश्चात उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने आरोपी एक मामले में? इसमें एक आरोपी पहले बलात्कार गिरफ्तार हो चुका है, श्रीचंद है, 2 अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है।